मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कहा था कि आपको पहले फेयर या फार्मूला याद करने के लिए, मैं पहले फार्मूला याद करने के लिए कहा था, लेकिन आप फार्मूला याद नहीं कर पाते हैं तो बनाने में तो समस्या आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला याद करिए, है ना। और कोई भी क्वेश्चन को दो बार चार बार उसको रीडिंग करिए, रीड करिए क्या कह रहा है, तब बनाइए, तब होगा। स्पष्ट कह रहा है प्यारे बच्चों, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, दिया हुआ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना, 600 अदे 900। तो आपका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालना है तो साइड मालूम रहेगा तब, तो साइड पहले निकाल लीजिए। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 × साइड स्क्वायर। तो साइड इक्वल टू, तो 4 को इधर लाया तो डिवाइड हो गया, स्क्वायर को इधर ला रहा है तो रूट हो गया। 3900 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 30, और 4 का स्क्वायर रूट 2, 30/2 = 15 सेंटीमीटर। आपको प्यारे बच्चों 15 सेंटीमीटर आ गया क्या चीज, साइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्यूब इक्वल टू है ना साइड, साइड क्यूब, तो 15 का क्यूब इट मीन्स हाउ मैनी, 15 का क्यूब के मतलब कितना, 3375 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम क्यूब में होता है, इतना क्यूब लिख देंगे, बहुत आसान है ना। इस तरह से प्यारे बच्चों हम बनाते चल जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिएगा, है ना। अब देख लीजिए आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि कोई भी तीन प्रकार का क्यूब है, एक का साइड है 3 सेंटीमीटर, दूसरा का 4 सेंटीमीटर और तीसरा का 5 सेंटीमीटर। तीनों क्यूब को मेल्टेड किया गया, पिघला दिया गया, तो पिघला कर कर करके एक बड़ा क्यूब बनाया गया, तो उसका टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, उसका लेटरल सरफेस एरिया पूछ रहा है प्यारे बच्चों। तो पहले लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द न्यू क्यूब, तो इक्वल टू सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब, है ना, सम। तो फर्स्ट क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, साइड क्यूब मान 3 के क्यूब, सेकंड का 4 क्यूब और 3 का 5 क्यूब। तो अगर मन इसको करेंगे तो कितना, 27, ये 64 125 क्यूब ये, अच्छा इसलिए साइड इक्वल टू वॉल्यूम, ये न्यू वॉल्यूम, अच्छे द वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब का साइड फॉर्मूला यही नहीं पढ़ा था, साइड क्यू, साइड क्यू, तो साइड इक्वल टू ऐड कर दिए तो 216 आया, अंडर रूट, अंडर क्यू माने क्यू रूट कह दिए, क्यू रूट कितना, क्यू रूट 260 6 × 6 × 6, तो क्यू रूट 3 गो में से एक होता है, तो इसका क्यू रूट 6 हो जाएगा, है ना। तो 6 आपका मालूम क्या हो गया, साइड मालूम हो गया, बड़ा जो क्यूब बना, 3 क्यूब को मेल्टेड करके पिघला कर करके जो बड़ा क्यूब बना उसका साइड मालूम हो गया। तो लेटरल सरफेस एरिया नहीं निकल जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब इक्वल टू क्या चीज, लेटरल सरफेस पढ़े थे 4 × साइड स्क्वायर, 4 × 6 स्क्वायर इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना ईजी है प्यारे बच्चों, 100 है ना, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 23 नंबर क्वेश्चन पढ़िए प्यारे बच्चों, कहता है कि एक बताइए कि एक कमरा है जिसका में मैंने उसका साइड है 10 × 10 × 10, देखिए लेंथ 10, ब्रेथ 10 और हाइट 10, तो उसमें लॉन्गेस्ट है ना क्या चीज है, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल, लंबा से लंबा पोल कैसे लाया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों ऊपर के कॉर्नर से लेकर के नीचे के कॉर्नर सीधे, तो वो क्या होता है, ऊपर के कॉर्नर और नीचे के कॉर्नर सीधे रखेंगे तो डायगोनल ऑफ क्यूबाइड हो गया। तो क्या पढ़े थे, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पढ़े थे ना जी, तो जो आएगा वो लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल हो जाएगा, वही ना डायगोनल बराबर होगा ना, रखा जा सकता है। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ईजी है। 24 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों कहता है कि
एक इसका लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया, लेंथ और ब्रेथ हाइट। तो कहता है कि किसी भी का सम ऑफ थ्री लेंथ ब्रेथ और हाइट, सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इक्वल टू 19 सेंटीमीटर देवल है। तो लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल टू 19 सेंटीमीटर लिख दी, दिया हुआ तो लिख देंगे ना, तो स्क्वायर करेंगे तो लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल टू इतना के स्क्वायर इक्वल टू 90 स्क्वायर हो गया, है ना। दोनों दोनों बोथ स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख सकते हैं आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड माने एस बी एस माने स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इतना के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या चीज प्लस, अरे भैया प्लस टू ए बी प्लस टू ए बी टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी होता ना है, ये पढ़ाते कि ना रूल होता है इक्वल टू 19 के स्क्वायर करेंगे तो 161 है ना। तो डायगोनल आपका पहले दिया हुआ है प्यारे बच्चों, डायगोनल कितना देवल है 11 सेंटीमीटर, डायगोनल आपको कहा है 11 सेंटीमीटर, अरे बाप रे डायगोनल कितना सेंटीमीटर, हाँ 11 सेंटीमीटर। तो अब देख लीजिए डायगोनल जब 11 देवल है तो ऊपर थोड़ा सा देख लीजिए है ना, तो क्या पढ़े थे दिखाई दे रहा है देख लीजिए, तो डायगोनल इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल टू कितना 11। तो ये अंडर रूट, अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल टू 11। तो अंडर रूट को इधर लाए तो 11 स्क्वायर इक्वल टू 121, अरे 11 स्क्वायर इक्वल टू 121। तो फ्रॉम इक्वेशन वन प्यारे बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन से हम अगर चलते हैं तो इक्वेशन वन में कहता है लेंथ स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर डेल है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 121 प्लस टू कॉमन ले लिए थे प्यारे बच्चों, प्लस टू इंटू क्या चीज प्यारे बच्चों, टू इंटू लेंथ टू इंटू एल इंटू बी बी इंटू एच और एच इंटू एल इक्वल टू 361 है ना। अब देखिए इसको आप इधर लाए, इधर लाए तो कितना हो जाएगा, इसको आप इधर लाएंगे प्यारे बच्चों, इसको आप इधर लाए है ना, तो बच कितना जाएगा टू टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ, तो इक्वल टू 261 माइनस 121, इसको अधिक किया था 200 कितना 240। तो ये किसका फार्मूला है मेरे बच्चों, आप तो फार्मूला पढ़े थे, यह फार्मूला आपका है क्या चीज़ है, टू इंटू एल इंटू डी डी इंटू एच अब एच इंटू एल, ए टू द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, पढ़े थे ना सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड याद होगा, इक्वल टू टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ इक्वल टू कितना 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार प्यारे बच्चों आप बना लेंगे, जब फार्मूला याद रहेगा तो निश्चित रूप से बना लेंगे। थैंक यू।